हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेसिक रिसर्च। ए फर्स्ट ग्रेड टीचर टेस्ट टू डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। सेकेंड है, ए साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट्स हाउ इफेक्टिव ए न्यू थेरेपेटिक अप्रोच इज फॉर ट्रीटिंग फोबियाज। थर्ड है, एक कैंपियन मैनेजर कमीशंस ए पोल टू सी हाउ पॉपुलर हर कैंडिडेट्स स्टैंड ऑन वेरियस इशूज इज। फोर्थ है, द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोर हाउ चिल्ड्रंस यूज ऑफ लैंग्वेज चेंज एज दे एज। निम्नलिखित में से कौन मूल अनुसंधान का सबसे अच्छा उदाहरण है? एक प्रथम श्रेणी शिक्षक शिक्षण पढ़ने के दो अलग अलग तरीके का परीक्षण करता है। सेकेंड, एक मनोवैज्ञानिक जांच करता है कि फोबिया के इलाज के लिए एक नया चिकित्सीय तरीका कितना प्रभावी है। थर्ड, एक अभियान प्रबंधक यह देखने के लिए सर्वेक्षण शुरू करता है कि विभिन्न मुद्दों पर उसके उम्मीदवार का रुख कितना लोकप्रिय है। फोर्थ, एक विकासवादी मनोवैज्ञानिक यह पता लगाता है कि बच्चों की भाषा का उपयोग उनकी उम्र के अनुसार कैसे बदलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट के हिसाब से भी और पेपर सेकेंड के हिसाब से भी, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए। आंसर है हमारा, ए डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोर हाउ चिल्ड्रंस यूज ऑफ लैंग्वेज चेंज एज दे एज। एक विकासवादी मनोवैज्ञानिक यह पता लगाता है कि बच्चों की भाषा का उपयोग उनकी उम्र के अनुसार कैसे बदलता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बेसिक रिसर्च क्या होती है। बेसिक रिसर्च वो होती है जिसके अंदर हम किसी नए ज्ञान की खोज कर रहे होते हैं या नई नॉलेज को एक्वायर कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऑन द 21st पेयर इज एसोसिएटेड विद अल्जाइमर डिजीज, डाउन सिंड्रोम, टेसेट्स डिजीज, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। 21वीं जोड़ी पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ा हुआ है, अल्जाइमर रोग, डाउन सिंड्रोम, टेसेट्स रोग, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या भ्रूण शराब सिंड्रोम। इस तरह के नाम को अगर आप इंग्लिश टर्म में याद करें तो ज़्यादा बेटर है। जल्दी से आंसर बताइए इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी ये आता है। आंसर है हमारा डाउन सिंड्रोम, या हिंदी में भी इसको डाउन सिंड्रोम ही बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि हमारे 21वें जो क्रोमोसोम्स होता है उस पर एक एक्स्ट्रा पेयर होता है। नेक्स्ट है हमारा, 3-year-old इमा वांट टू सी ए न्यूयॉर्क किंग्स गेम इन यकीन स्टेडियम। फ्रॉम हर सीट इन द ब्लेंचर्स द प्लेयर्स लुक लाइक टीनी मैन, बट एज सी वॉक टुवर्ड द फील्ड द प्लेयर सीम्स टू ग्रो इन साइज एज इफ बाय मैजिक। एमिनास बिलीव्स दैट द मैन ग्रीव लार्जर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ डैमेज ऑफ हर फोविया। पैलेस थ्योरी इनकम्प्रीहेंशन अबाउट हाउ टू यूज द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। The fact that she is still developing size constancy। 3 वर्षीय एमा यांकी स्टेडियम में न्यूयॉर्क यांकीस खेल देखने गई थी। ब्लीचर्स में उसकी सीट से खिलाड़ी छोटे आदमियों की तरह दिखते थे, लेकिन जब वह मैदान की ओर जाती है तो खिलाड़ी के आकार बढ़ने लगते हैं जैसे कि जादू से। एमा की यह धारणा कि पुरुष बड़े हो गए हैं सबसे अच्छी तरह से समझाते हैं। फर्स्ट, उसके फोवा को नुकसान है। सेकंड, जगह सिद्धांत। थर्ड, धारणा के गेस्टाल सिद्धांत का उपयोग करने के तरीके के बारे में अपूर्णता। फोर्थ, तथ्य यह है कि अभी भी आकार की कमी का विकास कर रही है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्या पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते आपको इसका आंसर भी आ जाएगा। आंसर है हमारा, द फैक्ट दैट सी इज स्टिल डेवलपिंग हर साइज कॉन्स्टेंसी। वह अभी भी आकार की कमी का विकास कर रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग में क्या बोल दिया गया है, 3-year-old एमा, यानी कि 3 वर्षीय एमा। एमा भी बच्ची है तो सीधी सी बात है कि वो अभी इस तरह की एबिलिटी को डेवलप ही अपने अंदर कर रही है। नेक्स्ट है हमारा, इनफेक्ट्स टीज दियर पेरेंट्स टू होल्ड देम ए लोड बाय क्राइंग व्हेन एवर दे आर पुट डाउन। व्हेन दे आर पिक्ड अप द बेबीज स्टॉप क्राइंग। द पेरेंट्स आर लर्निंग टू पिक अप दियर बेबीज वी इनसाइड लर्निंग, पॉजिटिव लर्निंग, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट एंड लिटिल लर्निंग।
शिशुओं को उनके माता पिता सिखाते हैं कि जब उन्हें नीचे रखा जाता है तो वे रोकर उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं। जब उन्हें उठाया जाता है तो बच्चे रोना बंद कर देते हैं। माता पिता के माध्यम से अपने बच्चों को लेने के लिए सीख रहे हैं। अंतर्दृष्टि सीखना, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन और अफेक्ट विद्या। तो आंसर है हमारा नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट या नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। क्योंकि बच्चा क्या करता है, जब भी माँ बाप उसको नीचे उतार देते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। तो इस तरह के व्यवहार को कम करने के लिए वो उनको गोद में ले रहे हैं, यानी कि बच्चे का गोद में लेना बढ़ रहा है और अगर बच्चे को नीचे छोड़ देते हैं तो रोना बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट का उदाहरण हुआ। क्योंकि सीधी सी बात है, साइट लर्निंग और लेटेंट लर्निंग तो यहाँ पर नहीं हो रही है, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट ये नहीं है, तो हमारे ऑप्शन में नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है। ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट का ही एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इलस्ट्रेट ओवर जनरलाइजेशन। टोबी इज़ द फास्टेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। होमी डोंट प्ले दैट गेम। डैनी गो टू द स्टोर। ओनली ह्यूमन बींग हैव द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज। आल डॉग्स हैव फर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अति रंजना दर्शाता है। टोबी दुनिया का सबसे तेज लड़का है। होमी उस खेल को नहीं खेलते हैं। दानी दुकान पर गया है। केवल मनुष्य के पास ही प्रयुक्त भाषा होती है। सभी कुत्तों में फर होता है। यहाँ है पर जो है वो ऑप्शन ई लिखा हुआ है, तो इसको आप ठीक कर लेना। आंसर है हमारा डैनी गो टू द स्टोर, दानी दुकान पर गया है। ये एक ओवर जनरलाइजेशन इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट थ्योरी सजेस्ट दैट यूजिंग द टर्म गर्ल्स टू रिफर टू वुमेन माइट अफेक्ट द वे दोज पीपल थिंक अबाउट वुमेन। द लिंग्विस्टिक रिलेटिवली हाइपोथेसिस, सोशल लर्निंग थ्योरी, द नेविस्टिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, सिंगल डिटेक्शन थ्योरी और अराउसल थ्योरी। क्या सिद्धांत बताता है कि महिलाओं को संदर्भित करने के लिए लड़कियों शब्द का उपयोग करना उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं। भाषाई सापेक्ष परिकल्पना, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, भाषा का नेटिव सिद्धांत, सिंगल डिटेक्शन सिद्धांत या अराउसल सिद्धांत। आंसर भी बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इस तरह के क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया है। आंसर है हमारा ए लिंग्विस्टिक रिलेटिवली थ्योरी। क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, वुमेन को हम गर्ल्स के टर्म में रिफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जे ना इन्वाइटेड मैरी टू बैन फोल्स कंक्रीट। मैरी लव्स बैनफोल्ड बट लॉर्ड्स जीना। व्हाट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट इज मैरी एक्सपीरियंसिंग। अप्रोच अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस, मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस, नन, सी शुड जस्ट गो टू द कंक्रीट। जॉन जेना ने मैरी को बैनफोल्ड्स कंसर्ट में आमंत्रित किया। मैरी बैनफोल्ड से प्यार करती है लेकिन जेना से परेशान करती है। मैरी किस प्रकार के संघर्ष का सामना कर रही है। दृष्टिकोण टालना, दृष्टिकोण परिहार, एकाधिकार दृष्टि परिहार, कोई नहीं, उसे सिर्फ कंसर्ट में जाना चाहिए। आंसर आप जल्दी से बताइए। आंसर है हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट या दृष्टि परिहार कन्फ्लिक्ट। देखिए इसमें क्या है कि मैरी ने उसको इनवाइट किया है, लेकिन मैरी जो है वो बैन से तो प्यार करती है लेकिन जेना से वो नफरत करती है। तो इसमें अभी क्या दो चीज़ें हो रही है, एक पॉजिटिव हो रही है, दूसरी नेगेटिव हो रही है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट या दृष्टिकोण परिहार या उपागम परिहार जो हमारा कन्फ्लिक्ट होता है वो यहाँ पे होता है। अप्रोच में क्या होता है कि जब हम दो पॉजिटिव चीज़ों को एक साथ पाना चाहते हैं, अवॉइडेंस में क्या होता है जब हम एक चीज़ से बचना भी चाहते हैं और जब हम दो चीज़ों से एक साथ बचना चाहते हैं लेकिन हमें किसी एक को उसमें मिलना, एक को पाना ही पड़ता है। अप्रोच अवॉइडेंस में क्या होता है कि जब हम एक सिंगल चीज़ से बचना भी चाहते हैं और उसको हम पाना भी चाहते हैं तो ये होता है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस में क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारे पॉजिटिव गोल होते हैं और बहुत सारे नेगेटिव गोल होते हैं और हमें उनमें से एक पर्टिकुलर गोल को ही चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, विलियम वुड्स अर्ली वर्क लीड टू द थ्योरी ऑफ फंक्शनलिस्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ट्रेफिकेशन, रिप्रेशन, स्ट्रक्चरलिज्म। विलियम वुड के शुरुआती काम के सिद्धांत के कारण है कार्यात्मकता, गेस्टाल्टिक मनोविज्ञान, ट्रेफिकेशन, दमन और संरचनात्मकता। क्योंकि हमने वुड्स से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी सोल्व किए हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। आंसर है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि जो विलियम वुड थे उनके काम की वजह से स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना को टिचेनर ने किया था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि विलियम वुड जो थे वो स्ट्रक्चरलिज्म के या संरचनावाद के सिर्फ एक पूर्ववर्ती कारक थे।
जो इसको इसकी स्थापना जो की थी वो टिचेनर ने की थी, जो उनके शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट वुड मोस्ट लाइकली बी क्रिटिसाइज फॉर अंडर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट? ट्रेड, बिहेवियर, कॉग्निटिव, साइकोडायनेमिक, सोशल कॉग्निटिव? पर्यावरण के प्रभाव को कम आंकने के लिए किस प्रकार के व्यक्तित्व सिद्धांतकार की सबसे अधिक आलोचना की जाएगी? विशेषता या ट्रेड, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक मनोविकार या सामाजिक विज्ञान? तो हमारा आंसर होता है ट्रेट या विशेषता वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन मोमेंट के जो प्रभाव था बाकी सबके अकॉर्डिंग इन्होंने उनको कम माना था, क्योंकि ट्रेट जो साइकोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि कुछ स्पेशल ट्रेट्स होते हैं, टेम्परामेंट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, और अगर हर किसी के अंदर वो होते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटी हो जाती है। नेक्स्ट, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को आज का लेसन कैसा लगा है। मुझे पता है कि आज लेसन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन कोशिश करूँगी कि कल से आप सबको टाइम से इसको मैं प्रोवाइड करवा सकूँ।